बेटा अपना प्लेयर टैग देते, मुझे जरा काम है, तुमको इनवाइट करता अपने क्लैन में। अरे चाचा सच में इनवाइट कर रहे हो? लो प्लेयर टैग लिखो, मुझे हमेशा याद रहता है। अरे बेटा याद है तो जल्दी बोलोगे भी। लिखिए चाचा टैग लिखिए, 9QBJJ। अरे भाई, अरे 9QBJJJJ। अरे चाचा मुझे अपना टैग नहीं याद हो रहा, मैं क्या करूँ, 5 साल से याद कर रहा हूँ, एक टैग नहीं याद हो पा रहा है चाचा। अरे बेटा जाने दो, रो मत, मैं तुम्हारे क्लैन में खुद आकर तुम्हारा टैग कॉपी कर लेता हूँ, फिर अपने क्लैन में से जाकर तुमको इनवाइट कर लूंगा। अरे बुढ़ाओ चाचा, तुमको इतना भी नहीं पता है कि मुझे क्लैन का भी टैग नहीं याद है, मैं तुमको वो भी नहीं दे सकता। भाग जो यहाँ से, तुमको कुछ याद नहीं है, गेम का जो मालूम कहाँ से गेम खेलने चले जाते हैं, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ भाग जाओ। सो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में यार हम लोग कुछ ऐसे प्लेयर के टैग देखेंगे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 सेकंड के अंदर ही याद कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे प्लेयर के टैग्स को देखते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का पहला प्लेयर है YOUR, जिसको कोई भी याद नहीं कर सकता है, सच बता रहा हूँ यार, इसको कोई भी नहीं याद कर सकता। तो ये बंदा है लीडा, टाउन हॉल 1, एक्सपीरियंस भी 1, और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको इतना अच्छा टैग मिला है, इसके बावजूद ये खेल क्यों नहीं रहा है। तो इसको इतना अच्छा टैग मिलने के बावजूद भी ये खेल क्यों नहीं रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रोफाइल देखने पर यार बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये खेल नहीं रहा है, इतना अच्छा टैग मिला है फिर भी नहीं खेल रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। आज मुझे इन सबको इतना अच्छा अच्छा टैग मिला है, मुझे तो ऐसा टैग मिल गया है जो कि अभी तक मैं याद नहीं कर पाया हूँ, सच बता रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब इसके जुड़वे भाई से, जो कि मेले में खो गया था कहीं पर, चलिए इसको ढूंढते हैं। यू आर योर, ये इसका टैग है, योर YOUR, हाँ। तो इसको सर्च करते हैं, ये है लेपा, लीडा का भाई लेपा, वाह 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 कितना अच्छा नाम है यार, लीडा का भाई लेपा। यार ये भी वैसे ही है बंदा, टाउन हॉल 1, दोनों भाई के बीच में लगता है कुछ टकराव हो गया, जिसकी वजह से दोनों गेम खेलना बंद कर दिए। तो दोनों के दोनों भाई गेम खेलना बंद कर दिए, इन लोग को इतना अच्छा टैग मिला था उसके बावजूद भी, क्या कर सकते हो यार, घर का मैटर है, छोड़ो हटाओ। इसके प्रोफाइल को देखने के बाद भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, कोई बात नहीं, जाने दो इन सबको। तो ये तो रहे दोनों जुड़वे भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अल्फ़ाबेट की ओर। तो स्टार्ट करते हैं पी पी पी, 3 बार सिर्फ पी, ज़्यादा पी नहीं, 3 बार पी करने के बाद हम लोगों को एक अच्छा सा दिखता है प्लेयर, ये भी वैसे ही है, टाउन हॉल 1, एक्सपीरियंस 1। अरे यार ये क्या हो रहा है, इन सभी लोगों को यार इतना अच्छा टैग मिला है उसके बावजूद भी ये लोग गेम नहीं खेल रहे हैं, बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोगों का ए के बाद बी आता है, बिल्कुल उसी ही तरह हम लोगों का पी के बाद क्यू आता है। तो चलिए क्यू को सर्च करते हैं, और क्यू 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 क्यू, सिर्फ 5 बार क्यू है, ज़्यादा क्यू नहीं। तो क्यू को सर्च करने के बाद भी हम लोगों को वैसा ही प्लेयर मिलेगा, टाउन हॉल 1 रहेगा, एक्सपीरियंस भी 1 रहेगा, क्या करूँ मैं यार इन सभी लोगों को। तो चलिए जाने दीजिए इन सबको, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्यू के बाद आर की ओर। तो हम लोग सर्च करते हैं आर 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 आर, नहीं सिर्फ 6 बार आर है, ज़्यादा हार नहीं लगाना है। तो यह है क्लास ऑफ क्लैन, क्लैश ऑफ क्लैन नहीं यार, एक एच तो लगा देते बहुत अच्छा लगता देखकर। ये भी बंदा कुछ तो अच्छा काम किया है, ये बंदा बहुत अच्छा काम किया है यार, देखो इसका एक्सपीरियंस 3 है, इसके लिए ताली बजनी चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, ताली इसके लिए बजनी चाहिए, मानना पड़ेगा यार ये बंदा बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही नेक काम किया है। और इससे भी बड़ी बात, इसने टाउन हॉल को अपने लेवल 2 पर पहुंचा दिया है, वो भाई साहब लेवल 2 का टाउन हॉल इसका है, कितनी बड़ी बात हो गई यार ये लेवल 2 का टाउन हॉल। तो हम लोगों का आर के बाद एस आता है, फिर टी आता है, फिर यू आता है। तो एस और टी को आप लोग सर्च मत करिएगा, क्योंकि मैं सर्च किया नहीं मिला कोई बंदा, डायरेक्ट आप लोग यू को सर्च करिएगा। तो यू को करने के बाद सर्च,
आप लोग को मिलेगा एक चाइनीज मुंडा। तो इसका एक्सपीरियंस तो उससे भी ज्यादा है, इसका एक्सपीरियंस 4 है यार। ये भी बहुत ही अच्छा काम किया है, कम से कम इसको इतना अच्छा टैग मिलने के बाद गेम तो खेला कुछ। तो चलिए हम लोग इसके बेस को विजिट कर लेते हैं। ये भी बंदा है टाउन हॉल 2 का, बहुत अच्छी बात है यार। तो इन सभी प्लेयर्स को अपना टैग याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती होगी, हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा होती है यार, सच बता रहा हूँ मैं। तो यू के बाद भी आएगा हम लोगों का वही पुराना घिसा पीटा डायलॉग, मैं फिर से चिपका रहा हूँ। लेकिन 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 इस प्लेयर के जो टैग में हम लोग सर्च करेंगे ना, आईडी में कुछ हम लोग को अलग दिखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आप लोगों को कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा होगा, तो सिर्फ अभी तक हम लोगों को स्पेशल इसमें नहीं दिख रहा है, कुछ देर में आप लोगों को स्पेशल इसमें दिख जाएगा। नीचे देखते हैं पहले कुछ स्पेशल है क्या, नीचे भी कुछ नहीं है स्पेशल। चलते हैं बेस को विजिट करते हैं। आप लोग देख लो टाउन हॉल 9 का ये बंदा है, और जैसे ही हम लोग बेस को विजिट करते हैं ये बंदा अचानक से टाउन हॉल 10 का हो गया। ये कैसे हो गया यार? फिर से हम लोग इसका प्रोफाइल चेक करेंगे कि ये बंदा टाउन हॉल 9 पर ही था। हाँ यार, ये तो टाउन हॉल 9 पर ही था और टाउन हॉल 9 शो भी कर रहा है, लेकिन बेस को विजिट करने पर ये टाउन हॉल 10 शो कर रहा है। क्या हो रहा है ये? तो मुझे लगता है मैंने किसी और का बेस ओपन कर दिया। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ यार, नाम तो वही, सब कुछ वही। यार ये बंदा टाउन हॉल 9 का शो कर रहा है, फिर बेस विजिट करने पर टाउन हॉल 10 क्यों शो कर रहा है? अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। अब वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, अब बंद कर रहा हूँ अभी। तो बस आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने अभी तक लाइक भी कर दिया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो यार तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन और फोड़ते रहिए सभी का बेस।